अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो के जो क्लिप्स मैं दिखा रही हूँ आपको, ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, गोपाल सोनिया के नाम से इनका चैनल था और बहुत अच्छा इनका चैनल ग्रो किया हुआ था। 1,13,000 इनके सब्सक्राइबर्स थे और इनकी बहुत अच्छी इनकम थी, मतलब 2.5 लाख तकरीबन महीने का ये कमा रहे थे। तो इन्होंने शुरू में जब इनके 5,000 सब्सक्राइबर्स थे तो इन्होंने अपने एक दोस्त को दिया चैनल के, मुझे मेरे जीमेल में कोई प्रॉब्लम है तो आप ये मुझे सेटिंग कर दो, मुझे नहीं पता। तो उस बंदे ने इन्हें सेटिंग करके वापस तो दे दी, लेकिन उसने आईडी और पासवर्ड अपने पास महफूज कर लिया। और अब जब ये अपनी वीडियो अपलोड करते थे और अपने डिस्क्रिप्शन में जब किसी की प्रमोशन के लिए लिंक लगाते हैं तो कहते हैं वो चेंज होता है दूसरे दिन, और चेंज इस तरह होता है कि जो उनका दोस्त है उसका लिंक आ जाता है। तो फिर इन्होंने ये टेक्निकल तनवीर असकर है जो टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं, मैं इनका रात को चैनल देख रही थी तो इसी से मुझे पता चला, तो मैंने कहा आपको बताऊं कि आप भी खबरदार हो जाएं। तो अब इनके जबानी सुने क्या हुआ आगे। नहीं है। इस पूरी कहानी का मेन मकसद क्या है और आपको क्या सीखने को मिला है? सीखने को ये मिला है कि भाई अगर आप किसी को भी चैनल देते हैं कि मेरे चैनल की सेटिंग कर दें, अगला बंदा आपको वापस करता है, तो सबसे पहले ये देखें कि आप अपने चैनल के ऊपर प्राइमरी ओनर अभी भी खुद ही है या अगला बंदा आपके चैनल का प्राइमरी ओनर बन गया, आपको मैनेजर बना के आपको वापस दे दिया, आपको यूट्यूब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और मैनेजर बन के आप वीडियोज अपलोड करते जा रहे हैं और आपको लगता है कि मैं ही ओनर हूँ। यही हुआ है गोपाल भाई के साथ। गोपाल भाई को अब जाके पता चला है कि भाई मैं तो 8-9 महीनों से अपने चैनल के ऊपर प्राइमरी ओनर था ही नहीं, प्राइमरी ओनर तो वो बंदा बन के बैठा हुआ था और ये मैनेजर बन के वीडियोस अपलोड किए जा रहे थे चैनल के साथ। तो जो हो गया सो हो गया, ठीक है, तो किसी और के साथ नहीं हो। तो मसलन के मेरे चैनल के साथ ये हुआ, मेरी जीमेल आईडी से किसी को मैंने आईडी पासपोर्ट दिया, उसने अपनी जीमेल आईडी पे ट्रांसफर करके मुझे उसका मैनेजर बना दिया, ठीक है। तो वो उस बंदे को जानता भी हूँ, मैंने उसकी प्रमोशन भी की, बहुत प्रमोशन की।